हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? बिजी इन स्टडीज एज एग्जाम्स आर नियर, व्हाट आर यू फीलिंग? एंग्जाइटी, फियर, सम माइट बी इन डिप्रेशन? या चलो वी स्टडी अ लेसन विच विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस. इट विल क्योर यू फ्रॉम ऑल दैट इज कमिंग अक्रॉस यू दीज डेज, एंड इट विल क्रिएट a positive aura around us and give us relief in this time of exams which are coming closer day by day. मेडिटेशन करते हैं आज. और मेडिटेशन में हमें याद आते हैं कौन? बुद्धा, है ना? तो एक बार बुद्धा से पूछा गया, समवन आस्क्ड बुद्धा, व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम मेडिटेशन? क्या आपको इसका लाभ हुआ? वो बोला, नथिंग, बट यू आस्क व्हाट आई लॉस्ट, कि मेरे को किस किस चीज़ से मुक्ति मिल गई. एंगर से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, फियर से, इनसिक्योरिटी से, जो ये सब आपको लग रहा है इन दिनों एग्ज़ाम के डेज पास आ रहे हैं, है ना? कितना रिलेवेंट रहने वाला है टॉपिक? वेरी रिलेवेंट. You will be alleviated from all this by studying this lesson. सही, आपकी टेक्स्ट बुक में ये लेसन रखा गया है लास्ट में, when exam days are near. Lesson is about Buddha. Yes, 10th class, rightly guessed it is the sermon at Banaras. His first sermon we will be talking about. Yes, I am talking about lesson 10, first flight, the sermon at बनारस. हिज फर्स्ट सरमन, बुद्धाज फर्स्ट सरमन, दी बुद्धाज फर्स्ट सरमन. दी क्यों लगाया ये भी आपने बताना है मुझे. सरमन क्या होता है? ए लेक्चर बाई अ प्रीचर, ए टॉक ऑन रिलीजियस टॉपिक, ऑन मॉरल सब्जेक्ट. तो पहला जो इसने दिया वो डिस्कस करने वाले हैं. और देखना आप, दिस लेसन इज हैविंग इन इट सेल्फ सो मैनी लेसन्स. पहले तो आप इसको लिखने का स्टाइल, यू विल सी इट इज रिटन इन ओल्ड फैशन स्टाइल एज द स्टोरी. दिस लेसन जो इंसिडेंट है, इट इज मोर देन 2 मिलेनिया ओल्ड. आप देखेंगे, गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, जैसे आप पोइट्री में देखते हैं, लेकिन आप यहाँ प्रोज में भी देखने वाले हैं. ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड्स जो यूज किए गए हैं, देखिए, यू और यूअर इनका मतलब होता है, लेकिन दी और दाई. सेकेंडली आप देखेंगे, प्रे टेल मी कहती है वो. ये होता है कि टू एम्फेसाइज ए रिक्वेस्ट, प्रे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो. और किसा रिपेयर टू बुद्धा, तो इस तरह से जितने भी इंस्टेंसेस आने वाले हैं हम डिस्कस करेंगे. रिपेयर टू होता है टू गो टू अ प्लेस और पर्सन, या तो बड़ा एक स्टाइलिस्टिक यूज़ किया है वर्ड्स का इस लेसन के अंदर. जैसा कि इसका थीम है उसके मुताबिक जो है वर्ड्स भी जो है यहाँ पर टेक्स्ट भी बड़ा अच्छा यूज़ किया है. मार्क, किन्समैन एंड सो मैनी वी विल बी डिस्कसिंग वाइल स्टडिंग दिस लेसन. एंड दिस लेसन नरेट्स द स्टोरी ऑफ दी बुद्धा एंड द एडवाइस ही गेव टू द ग्रीव स्टिकन वुमन. किसा गौतमी की हम बात करने वाले हैं. ये देखिए आप, ये 4 पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. व्हाट इज कॉमन, आई आस्क यू, यू लुक एट दीज पिक्चर्स एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज कॉमन इन दीज पिक्चर्स. इट इज सोरो. दिस इज यू कैन से लाइफ साइकिल, लाइफ विच इज फुल ऑफ ट्रबल्स, लाइफ विच इज ब्रीफ. एंड बुद्धा व्हेन सा दीज साइट्स बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, एंड यू शुड ऑल्सो थिंक व्हाट इज एम ऑफ लाइफ. जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है और जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या हो, इसकी बात करता है ये पार्ट. देखेंगे कि बुद्धा के व्यूज क्या हैं ट्रुथ के बारे में, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में. द प्राइमरी पर्पज ऑफ लाइफ इज डिस्कस्ड इज टू एंड सफरिंग. इन दुखों से छुटकारा कैसे हो? बाय डिटैचिंग आवर सेल्व फ्रॉम द साइकिल ऑफ क्रेविंग,
दैट प्रोड्यूसेस दुख सोरो. क्या होना चाहिए? अचीविंग अ मेंटल स्टेट वेयर वी कैन डिटैच फ्रॉम ऑल द पैशंस नीड्स एंड वांट्स ऑफ लाइफ. वी कैन फ्री आवर सेल्फ एंड अचीव अ स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंट्स ब्लिस एंड वेल बीइंग. ये बताना चाहता है इसके अंदर बुद्धा का ये संदेश है कि द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू ग्रो इनटू अ काइंड एंड केयरिंग सोल हु इज सेल्फलेस निस्वार्थ एंड अंडरस्टैंडिंग. समझ होनी चाहिए. छोटी छोटी बात पे ये रोना धोना क्यों करने लग जाते हैं हम? वी शुड लिव काइंडली कंपैशनेटली एंड लिव विदाउट डिजायर एंड बी हैप्पी because it is mind. Mind is everything. What you think, what you believe, you become. This is true meaning of life in Buddhism. We are going to discuss that death is common to all. No one can avoid it, be him or her wise, fool, rich, poor. No father can save his son, no kinsman to his relation. It is inevitable. Here, Kisa Gotami laments the death of her son. But can this lamentation, grief, this complaint bring him back to life? Question raised. So, very interesting lesson, 10th class, this sermon at Banaras. It is an excerpt from Betty Rensa's Value and Voices, a College Reader, 1975. We start with summary, but before going further, I would like to say you to subscribe to my channel, like kiya karo, share kiya karo, aur mujhe comment jarur kar diya karo. I am coming with line to line full explanation and exercise and as well multiple choice questions. Ek ek number ke question ko weightage jyada di jane wali hai is baar, to us par bhi ek separate video aane wala hai. Theek hai? To chaliye summary karte hain. Born in 563 BC, प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा, जो कि उसका पहला नाम था, इन नॉर्दर्न इंडिया ही वॉज बॉर्न. एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट टू स्कूल टू स्टडी पुराण, इतिहास, वेदास एंड अदर हिंदू स्क्रिप्चर्स. एंड स्टडिंग ऑल दिस फॉर 4 years, ही केम बैक एंड मैरिड अ प्रिंसेस. And he had a son and lived 10 years happily in his palace and full royalty, which was away from any kind of suffering. He did not know anything about sorrow and suffering. But one day, while out for hunting, he observed a sick man. Then he observed an aged man. Then he observed a funeral procession and finally a monk. With these 4 sights, he was moved so much that he decided to seek enlightenment. He wanted to know the reason behind these sorrow, which is common in these images. So he wanted to know the cause of suffering, cause of sorrow in the world. He wandered 7 years. He roamed the whole world and finally sat under a peepal tree. And after 7 days, enlightenment came to him. That tree was renamed as Bodhi tree, tree of wisdom, jise hum kehte hain. Ye aap dekh pa rahe hain, real images hain, uski main aapke liye lekar aaya hoon. And then, when he was enlightened, he began to teach. He began to preach. He began to share his understanding. And here he came to be known as Buddha. Buddha, which means awakened, enlightened. Are you awakening, in process or awakened? Yeah, तो वो awakened हो चुका था, इसलिए उसका नाम यहाँ सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्धा पड़ गया. The Buddha preached in his first sermon at Banaras city. Hence, the name of the lesson, the sermon at the Banaras. Banaras, which is the most holy dipping place on the river Ganga. यहाँ पर ही उसने अपना पहला उपदेश दिया, जिसके बारे में ये lesson है. This lesson talks about that sermon which is preserved, which reflects Buddha's wisdom about suffering, about truth, life and death.
तो एक वो शुरू करता है उसमें कि किस गौतमी है हु हैड ओनली सन एंड हु डाइड एंड इन हर ग्रीफ शी गोज टू नेबर्स फॉर सम वंडर ड्रग और मेडिसिन टू ब्रिंग सन टू लाइफ. पीपल न्यू दैट हर सन वॉज डेड. पीपल सेड दैट शी हैड गॉन मैड. फाइनली किसा गौतमी मेट ए मैन हु टोल्ड हर टू गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा एंड शी गोज टू बुद्धा. शी आस्क फॉर मेडिसिन टू क्योर हर सन टू ब्रिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ एंड ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. शी वॉज हैप्पी दैट बाई डूइंग ओनली दिस थिंग टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ सीड शी प्रोमिस दैट शी विल प्रोक्योर इट. बट हेयर बुद्धा इंस्टिल्ड अ कंडीशन दैट यू मस्ट टेक दैट मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड हैज लॉस्ट हस्बैंड हैज लॉस्ट एनी पेरेंट और एनी फ्रेंड. ऐसे घर से लाना जहाँ मृत्यु ना हुई हो. She decides to go to house. She goes to house and people gave her mustard seed. But when she asked them, did a son or daughter, a father or mother die in your family, in their family? Their answer was, what was their answer? That living are few, dead are many. देखिए आप, what Buddha was scheme of things, वो उसको realize कराना चाहता था. And not to remind, they told her not to remind them their deepest grief. कि ऐसा प्रश्न करके तुम हमें दुखों को जख्मों को हरा मत करो. So she could find no house where death has not knocked at their door. So she became weary and hopeless and she sat wayside. रास्ते में बैठ गई. She could was sitting there. City lights flickering and extinguishing time and again, and darkness reigned now in the city. She, in her thoughts, sitting there, compared this scene, this flickering, extinguishing time and again, with the life of humans. This flickering is equal to life and death. This cycle of birth and death is nature's way of working. ये उसको पता लग गया. जो बुद्धा की स्कीम थी वो कामयाब हो गया. शी बिगेन टू थिंक हर सेल्फ टू बी सो सेल्फिश इन हर ग्रीफ. उसको लगने लगा कि मैं कितनी अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी. शी रियलाइज्ड हियर दैट दैट इज कॉमन टू ऑल. इफ वी सरेंडर दिस सेल्फिशनेस ओनली देन वी कैन गेट इमोर्टैलिटी एंड रिलीफ फ्रॉम पेन. जिससे वो गुजर रही होती है वो उसको रियलाइज हो जाता है. आगे अपने प्रवचन में वो बताता है बुद्धा हैज सेड कि लाइफ इज ट्रबल्ड लाइफ इज ब्रीफ एंड लाइफ इज कंबाइंड विद पेन. देयर इज नो मींस फॉर दोज हु आर बोर्न टू अवॉइड डेथ. डेथ से बचा नहीं जा सकता. जिसने जन्म लिया है वो जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा. लाइफ साइकिल को अगर आप देखें वी बोर्न एज ए चाइल्ड वी ग्रो यंग वी ग्रो ओल्ड एंड वन डे वी डाई. सेम एज राइप फ्रूट इज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग राइप फ्रूट इज मोर प्रोन टू फॉलिंग सो इज विद लिविंग बींग्स. दे आर प्रोन टू डेथ बिकॉज ऑल अदर वेसल्स मेड एंड इन बींग ब्रोकन. घड़ा बनता है टूटता भी है. सेम इज लाइफ ऑफ मोर्टल्स सेम इज लाइफ ऑफ ह्यूमंस. यंग ओल्ड वाइज फूल ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. नो वन कैन सेव नो फादर कैन सेव हिज सन नो किन्समैन कैन सेव देयर रिलेशन. वो आगे बताता है कि डेथ पर वाइज जो हैं दे डू नॉट लेमेंट. They understand that the world is afflicted with death and decay. So, why to lament? He further says, by weeping, by grieving, we cannot obtain peace of mind. Rather, peace will be greater.
body will suffer more by this grieving and weeping. We can become sick and even pale even by doing this, but this won't save the dead. Tab bhi hum mare hue ko bacha nahi sakte. So we should not make complaint, we should not grieve. This is his message, this is his first sermon at Banaras, that we should not complain, we should not lament, we should not grieve. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. He ends his sermon by this. So this was the summary of the lesson. I am coming with line to line full explanation and video on exercise as well. You can click these links. It will take you to my these videos.